अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज मैं हूँ फूड फ्यूजन के किचन में एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माय रेसिपी विद यू. आज के मेन्यू पे है सॉफ्ट फ्रेंच टोस्ट एंड वनीला क्रीम सॉस. ये सॉफ्ट फ्रेंच टोस्ट इतने सॉफ्ट हैं दैट दे विल एक्चुअली मेल्ट इन योर माउथ. और ये सॉस इतना वर्सेटाइल है कि आप इसे वॉफल्स और पैनकेक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं. और इस रेसिपी में सबसे बेहतरीन गुडनेस लाएगी मेरी फेवरेट ऑलपर्स क्रीम, बिकॉज ये इतनी कंसिस्टेंट है दैट इट गिव्स मी द बेस्ट रिजल्ट्स एवरी टाइम. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस रेस्टोरेंट क्वालिटी सॉस का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ऑलपर्स क्रीम. इसको अच्छे से विस्क करके फिर हम इसे कुक करेंगे. मुझसे हर कोई पूछता है कि मेरे फ्रेंच टोस्ट इतने सॉफ्ट कैसे होते हैं. सो द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलपर्स क्रीम, जो फ्रेंच टोस्ट को सॉफ्ट टेक्सचर देता है. ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप आराम से सुबह अपने बच्चों के साथ मिलकर बना सकती हैं. अगर सुबह हैप्पी हो तो सारा दिन अच्छा गुजरता है. ऑलपर्स क्रीम से बनी हर रेसिपी की गुडनेस बढ़ जाती है. जी तो नाज़रीन, हमारा सॉफ्ट फ्रेंच टोस्ट तैयार है. अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी क्रीमी वनीला सॉस से, जिसको मैंने एक स्क्वीज बॉटल में डाल दिया है. ये भी एक आर्ट है. और फिर हम यूज़ करेंगे मेपल सिरप, अगेन जिसको मैंने स्क्वीज बॉटल में डाल दिया है फॉर योर कन्वीनियंस. ये देखें, doesn't it look delicious? And this cherry on top, जिसे कहते हैं for a restaurant feel. Now comes the important part, which is tasting. Wow, look at this. It's actually melting in my mouth. जब तक मैं अपनी ये amazing recipe enjoy करती हूँ, आप लोग जाके बनाइए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी. Till next time, I'll see you soon. अरे वाह!